टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी शादी के स्पेशल डे पर भी अपना लुक बहुत सिंपल रखा, लेकिन इस सिंपल लुक में भी वो काफी खूबसूरत लग रहे थे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपनी शादी में सिंपल लुक कैरी किया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं सना कपूर। पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक की बेटी और शाहिद कपूर की सौतेली बहन सना कपूर ने मनोज पाहवा और सीमा पाहवा के बेटे मयंक के साथ शादी की। शादी में सना ने अपने सिंपल और एलिगेंट लुक से सभी का दिल जीत लिया। अपने वेडिंग डे पर सना ने ऑरेंज कलर के ब्लाउज के साथ लाइट ब्लू कलर का लहंगा कैरी किया था और इसी के साथ बहुत सिंपल सी ज्वेलरी के साथ अपने वेडिंग लुक को कंप्लीट किया। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है यामी गौतम। यामी गौतम ने डायरेक्टर और लाइफ स्टॉक आदित्य धार के साथ 4 जून को शादी रचाई थी। यामी की शादी बहुत सिंपल और प्राइवेट रही। अपनी शादी के दिन यामी ने अपनी माँ का 33 साल पुराना ड्रेस पहना था, तो वहीं अपनी नानी की चुनरी से सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट किया था। इसी के साथ यामी ने अपनी दादी की नथ पहनकर अपने वेडिंग लुक को पूरा किया था। इस लिस्ट में अगला नाम है दिया मिर्जा का। दिया मिर्जा ने पिछले साल बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ दूसरी शादी की। दिया की शादी उनकी बिल्डिंग सोसाइटी के गार्डन में हुई। शादी में दिया ने रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी थी और साड़ी के साथ लाल रंग की हल्की सी चुनरी ओढ़े उन्होंने अपने वेडिंग लुक को कंप्लीट किया। दिया ने अपनी शादी में बहुत कम मेकअप और बेहद कम ज्वेलरी से अपने लुक को कंप्लीट किया था। लिस्ट में अगला नंबर है शिनी दोषी का। पांड्या स्टोर फिल्म एक्ट्रेस शिनी दोषी ने पिछले साल 15 जुलाई को अपने मंगेतर लवेश खैराजनी के साथ फेरे लिए थे। शिनी और लवेश की शादी बहुत प्राइवेट रही, जिसमें परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे। शादी में शिनी ने अपने वेडिंग लुक को बहुत सिंपल रखा। उन्होंने लाल रंग की साड़ी और सिंपल सी ज्वेलरी कैरी की थी। इसी के साथ नेट की लाल चुनरी से अपने लुक को इन्होंने कंप्लीट किया। लिस्ट में अगला नंबर है रिया कपूर का। अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर ने 14 अगस्त 2021 को मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड करण बुलानी के साथ शादी की। सोनम कपूर की शादी जितनी शाही अंदाज में हुई थी, तो वहीं उनकी छोटी बहन रिया कपूर की शादी उतनी ही सिंपल सेरेमनी में हुई। तो वहीं दुल्हन बनी रिया ने शादी में लाल और हैवी आउटफिट कैरी करने के बजाय सफेद रंग की डिजाइनर साड़ी पहनी थी। रिया ने अपने लुक को जाली की चुनरी से कंप्लीट किया था। इस लिस्ट में अगला नंबर है नताशा दलाल का। वरुण धवन ने नताशा दलाल के साथ पिछले साल जनवरी में शादी की थी। नताशा ने अपनी शादी में बहुत सिंपल लुक रखा था और वहीं इन्होंने अपनी ज्वेलरी भी बहुत सिंपल सी पहनी थी। नताशा अपने सिंपल लुक में भी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। इस लिस्ट में अगला नाम है पत्रलेखा का। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 11 साल डेटिंग करने के बाद 16 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में शादी की। ये शादी काफी प्राइवेट शादी थी और अपनी शादी में पत्रलेखा ने हैवी आउटफिट के बजाय सुर्ख लाल रंग की सब्यसाची द्वारा डिजाइन की हुई साड़ी पहनी थी, जिसके साथ हल्के फुल्के गहने नथ और लाल चुनरी से उन्होंने अपने लुक को कम्प्लीट किया। दोस्तों, ये थी वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपनी शादी के दिन सिंपल आउटफिट चूज किया। आपको इनमें से किसका आउटफिट ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ये भी बताइएगा कि इनमें से कौन सा कपल आपका फेवरेट है और अपने फेवरेट कपल के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है।